नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से फकर जमा ने लाजवाब बैटिंग करते हुए 193 रनों की पारी खेली, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। फकर ने वनडे क्रिकेट में चेज करते हुए अब तक की सबसे बड़ी पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पाकिस्तानी बल्लेबाज फकर जमा अपने दूसरे शतक से चूक गए और क्विंटन डिकॉक की चालाकी के चलते रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने डिकॉक की खेल भावना पर सवाल उठाए और उनकी जमकर क्लास लगाई है। दरअसल पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फकर जमा ने लुंगी एंगिडी को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और 2 रन के लिए कॉल किया। लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे एडन मार्करम ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को तेजी से उठाया और बैटिंग एंड की तरफ फेंक दिया। विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने फकर जमा के साथ चालाकी दिखाते हुए ऐसे इशारा किया जैसे मार्करम का थ्रो बॉलिंग एंड पर आ रहा हो, जिसके बाद फकर पीछे देखने के लिए मुड़े और बॉल डायरेक्ट स्टंप पर आ लगी। क्विंटन डिकॉक का यह रवैया कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों और फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को जमकर ट्रोल किया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर डिकॉक की खेल भावना पर सवाल उठाए और उससे जुड़े नियमों के बारे में भी बताया। शोएब ने कहा, डिकॉक ने जो फकर जमा के साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और ये खेल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा, इसको लेकर नियम भी बनाया जा चुका है जिसके अनुसार इस तरीके की हरकत करने पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाती है और उस बॉल को भी दोबारा से फेंकना होता है। शोएब ने कहा, फकर का दोहरा शतक होते हुए वो देखना चाहते थे और उनको इस तरीके से आउट होता देख काफी बुरा लगा। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में नियम क्या कहते हैं। ICC के नियम के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे किसी भी खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्ट करने के एवज में दूसरी टीम को 5 रन की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा उस ओवर की गेंद को ओवर में काउंट नहीं किए जाने का भी प्रावधान है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के लिए ICC ने ये खास नियम बनाए हैं, लेकिन इन नियमों को ताक पर रखा गया और पाकिस्तान की टीम को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।